हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, आपकी जो आगामी परीक्षा है रीट की, तो उसमें निश्चित सफलता के महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहेंगे? जितना भी समय आपके पास बाकी है, तो उनको कैसे मैनेज करें, किस तरीके से तैयारी करें, तो वो मैं आज सभी चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ध्यान से वीडियो सुनिएगा, ठीक है? अब देखिए, चैनल से मैंने आपको SST का जो है वो पूरा हर चीज जो है वो आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में करवाई है। पहले मैंने RBSC की जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट की थी, 6 से 10 तक की आपको कंप्लीट करवा दी थी। उसके बाद मैंने हमारा राजस्थान, जो कि अभी NCERT के साथ में चली हुई है, वो मेरा कराने का क्या मकसद था कि बच्चे जो हैं ये सोचते हैं कि हमें RBSC में पता नहीं राजस्थान का GK मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें भी इंक्लूड था। फिर भी मैंने जो है जो नई बुक है तो उसके अकॉर्डिंग 6 से 10 तक की हमारा राजस्थान की जो है वह भी अलग से करवा दी है। अब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट नहीं छूटता है, कोई भी चैप्टर नहीं छूटता है। यदि बच्चों ने PDF ली है तो चैप्टर सभी ने देखे हैं और याद भी किए हैं। जहां पर सिलेबस अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट आपका चैप्टर में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है? तो वहां पर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी चीजें देखी हैं चैप्टर्स में, वो आपके सिलेबस के लिए बहुत अच्छी हैं और काफी हैं। NCERT में यदि आप देखोगे तो वहां पर भी आपको वही चीज मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी। RBSC में आपको बहुत ज्यादा मिलता है मैटर, NCERT में आपको इतना अधिक नहीं मिलता है। और NCERT में जो इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का GK हमको पढ़ना जरूरी है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं वो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है 6 से लेकर 10वीं तक की, वो कंपलसरी है आपको पढ़ना, याद करना, क्वेश्चन आंसर सीरीज को आप लोगों को बार बार रिवाइज करना। और इसके साथ ही राजस्थान के GK के लिए अलग से करवा दी है। तो देखिए, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक कि आप आगे जो एग्जाम की तैयारी करोगे, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और 3rd ग्रेड की, तो वहां पर भी ये जो सीरीज है वो आपकी तब भी काम में आएगी। तो ये चीज बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिए। बच्चों का क्या है, अभी भी टाइम जो है अब कम है आपके पास, फिर भी वही कह रहे हैं NCERT करवाइए, NCERT करवाइए। पहली बात तो देखिए, जितना टाइम मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए सोचती हूँ कि ये चीज जो है वो बच्चों के लिए जरूरी है, तो वो चीज करवाई जाती है जितना भी समय मिलता है, ठीक है? तो मुझे बिल्कुल ये पता है कि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो आपके RBSC की बुक और प्लस हमारा राजस्थान अभी जो न्यू बुक है, इसमें से आपके सभी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। टेंशन मत करिए। अब जिसने RBSC की बुक पढ़ ली है, हमारा राजस्थान का GK कर लिया है, तो ये समझिए NCERT तो उसका छोटा सा पार्ट है, वो आप कर चुके हो। इंडियन पॉलिटी की बात करो आप, जो कि NCERT में आप पढ़ते हो, RBSC में भी पढ़ते हो, बिल्कुल समान रहेगी। राष्ट्रपति का जिस तरीके से निर्वाचन होता है NCERT में, बदल तो नहीं जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता यदि हिस्ट्री आप पढ़ते हो RBSC में, वो आपकी NCERT में नहीं बदलेगी, ठीक है? NCERT में कहानी के तरीके से जो है वो चैप्टर दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही कम निकल कर आते हैं। आप ये सोचिए कि RBSC की बुक पढ़ ली आपने, हमारा राजस्थान का GK पढ़ लिया आपने, NCERT भी कवर कर ली, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए वो मैं आप लोगों को करवाती हूँ। मेरी तरफ से जो है SST वो मैंने आपको पूरी करवाई है। अब आपका काम है इसे बार बार रिवाइज करना, कैसे आप याद करते हो। तो उसके बाद देखिए, नोट्स जो है वो आपने तैयार कर लिए हैं, ठीक है? और अब जो बारी है जो भी आपने पढ़ा है उसके शॉर्ट्स नोट्स तैयार करने की, यानी कि जो आपको याद नहीं है अभी तक उनको जो है एक पेज में जो है समाहित करिए। जितना ज्यादा छोटा जो है वो करते जाएंगे नोट्स को, तो आसानी और भी ज्यादा हो जाएगी। रिवीजन जो है वो बहुत जरूरी है। पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठाइए, आपने जितना भी याद किया है उनमें देखिए कि कहाँ पर हमारी कमी रह गई है, कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? ज्योग्राफी के लिए मैप जो है उसका प्रयोग करें। मैप जो है वो अपने घर की, जो भी आपका रूम है, जहां पर भी आप पढ़ते हो, तो वहां पर सामने ही आप उसे वॉल पर चिपकाएं, दीवार पर चिपकाएं, ताकि हर चीज जो है वो याद रह सके। राजस्थान का मैप जो है वह याद रह सके, इंडिया का मैप जो है वह याद रह सके, कौन सी चीज कहाँ पर है,
ठीक, क्योंकि देखिए आधी से ज्यादा चीजें तो आपकी मैप से ही सॉल्व हो जाती हैं। कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है हमें नहीं आ पाता है, तो हम उसके लिए जो है अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं कि हमने मैप याद किया है, तो वो चीज कहाँ हो सकती है। तो मैप जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। और फिर देखिए, मनोबल गिराने वाले लोगों से बचें, यानी ऐसे लोग जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि पढ़कर क्या होगा, पहले भी तो पढ़ाई की थी, अब नहीं सिलेक्शन पहले नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। ठीक है, ऐसे जो लोग होते हैं उनसे बहस ना करें और ना ही उनके पास बैठने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, ये टाइम वापस नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, जो बच्चे पहले सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उसका रीजन उनकी पढ़ाई नहीं है, बल्कि रीजन है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की वजह से ही बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बच्चों ने तो बहुत ही जमकर पढ़ाई की थी, मार्क्स भी बहुत अच्छे लेके आए थे। लर्न विद दीप्तिमन से देखिए कितने सारे बच्चे जो हैं वो 130 प्लस जो है वो मार्क्स लेकर आए थे, हमारी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है केवल उनको पढ़कर। ठीक है, तो ऐसे लोग जो बार बार यही बोलते रहते हैं कि इतने साल हो गए अब तक क्या पढ़ रहे हो, ऐसे लोगों से आपको बचना है, उनका सामना नहीं करना है, बचना है। क्योंकि सामना करना, बहस करना, ये मूर्खता होती है, टाइम व्यर्थ करना होता है। ठीक है, ये सोचना है कि ये हमें जो है, ऐसा बोलने का मतलब क्या है, हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारा अब नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाला है उसमें तो 100% होगा ही, ऐसा सोचना है। एक दिन में 5 से लेकर 7 घंटे आपको पढ़ने ही हैं। ठीक है, एक दिन में 5 से लेकर 7 घंटे आप पढ़िए, अपने सब्जेक्ट जो हैं उनको डिवाइड करिए कि हम जो हैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ सकते हैं, या हम 3 पढ़ सकते हैं, या हम एक सब्जेक्ट के साथ जो है हर सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां जो हैं वह पढ़ सकते हैं। ऐसे जो है जो भी आपको सुटेबल लगे ऐसा आप करें। अब याद करने की टिप्स क्या रहेंगी, तो देखिए जो भी आप पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो या 7 घंटे पढ़ रहे हो, रुचि के साथ पढ़ना है। ऐसे नहीं करना है साथ में जो है आप किताब लेकर बैठे हैं और मन आपका कहीं और लग रहा है, नहीं। जो भी आपका मन कह रहा है कि हाँ हमें जो है एक गाना तो सुन लेना चाहिए, तो बिल्कुल आप सुन लें। उसके बाद यदि आप बैठते हैं तो बहुत ज्यादा जो है अच्छे तरीके से वो चीज आपको समझ में आएगी, याद हो सकेगी। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, मन तो हमारा कहीं और लगा हुआ है, अभी जो है हमें भूख लगी है लेकिन हम इसलिए नहीं खाना खाना चाहते क्योंकि हमारा टाइम खराब हो जाएगा, ये भी नहीं करना है। खाने को जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, खाना तो साथ में लेकर चलना ही है और सेहत का ख्याल रखना ही है। और उसके बाद जो है फोकस जरूरी है, जो भी चीज पढ़ रहे हो उस पर फोकस करें, अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन जो है कैसा भी एग्जामिनर घुमा के पूछ ले तो आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपने जो है कंसेप्ट आपका क्लियर है, मैटर आपने पढ़ लिया है, तो अब जो है कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप हल कर लोगे। अब देखिए, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था तो बच्चों को इजी लगा था, उसकी वजह क्या रही थी, वजह ये रही थी कि आपने जो है बहुत अच्छे से चीजों को समझ लिया था, कंसेप्ट आपके क्लियर थे, क्वेश्चन आंसर सीरीज आपने बार 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 रिवाइज की, और जिससे कि आपको क्वेश्चन पेपर बहुत आसान लगा। फिर देखिए, पॉइंट को हाईलाइट करें, जो भी पॉइंट में आपको परेशानी आती है उनको हाईलाइट करना है, ताकि नजर जो है जब भी उन पर पड़े तो लगे हाँ ये मुझे याद नहीं था, तो वो और भी ज्यादा जल्दी याद होगा। नेक्स्ट देखिए, रटना नहीं समझना है, क्योंकि रटी हुई चीजें जो हैं वो हम भूल जाते हैं अक्सर, तो आप समझकर यदि याद करेंगे तो वो एग्जाम टाइम में आपको याद रहेगी। स्वयं से प्रश्न पूछें, किसी भी चीज में जो है वो अटक जा रहे हैं तो क्या करना है, खुद से बात करनी है। पढ़ाई जो है वो बिल्कुल सिंसियर तरीके से करनी है, ऐसा नहीं है मजाक करना है। कई बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, हम तो क्लियर कर लेंगे, 90 मार्क्स ही तो लाने हैं, लेकिन क्या होता है कि 90 का टारगेट लेकर चलोगे तो 80 पर रह जाओगे, फर्स्ट पेपर में फेल होगे तो सेकंड पेपर जो है वो नहीं दे पाओगे, और फिर जो है वो पछतावा होगा। ठीक है, दैनिक दिनचर्या से जोड़कर पढ़ें, जो भी चीजें याद नहीं होती हैं तो उनको क्या करें, जो भी डेली रूटीन में जो काम होते हैं उनसे आप उनको कोरिलेट करें, उनसे आप जोड़ें। पढ़ते समय टीवी, और देखिए ये जो चीज है दैनिक दिनचर्या से जोड़कर पढ़ें, तो शिक्षण विधियां जो हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये,
कि जो शिक्षण विधियां जब भी आप पढ़ते हैं तो वहां पर जो छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको ध्यान में रखकर फिर आप जो है शिक्षण विधियों को करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। पढ़ते समय टीवी मोबाइल म्यूजिक को दूर रखें। अब देखिए सभी का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। कई जो क्या करते हैं बच्चे की साइड में जो है मोबाइल जरूरी है तभी हम पढ़ सकते हैं। पता नहीं मोबाइल में जो है कोई मैसेज आया होगा। अब देखिए मैसेज आया भी होगा तो आप उसे जो है वो थोड़े टाइम के लिए जब भी पढ़ते हैं साइड में रख सकते हैं। ये मोबाइल है टीवी है म्यूजिक है ये कहीं नहीं जाएगा, बाद में आपको मिल जाएगा। और ये चीजें जो है वो चलती रहती हैं। जब नौकरी लग जाती है जॉब जब लग जाती है तो ये चीजें जो है और ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं और इसके साथ जो है आप भी बहुत अच्छे लगोगे। ठीक है, तो इन सब से दूर रहना है और कुछ समय की ही तो बात है। टॉपिक को पढ़कर क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो प्रतिदिन नियमित करनी है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो यदि आपने नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स को जो है वो पढ़ के और जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है तो उसको आप डेली करें। तो ये जो प्लानिंग है आपकी रीट लेवल 2 की और इससे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, जो भी ऐसा सोचते हैं कि हम जो है क्रैक नहीं कर पाएंगे इतना सारा जो है सिलेबस है कैसे मैनेज करेंगे, तो सबसे पहली बात जो है कम समय में कैसे तैयारी हो। तो आप देखिए क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो बहुत अच्छा माध्यम है कि कम समय में आप इसे तैयार कर सकते हो। 6 से 10 तक की जो है आरबीएससी की जो है वो आप पढ़ना स्टार्ट करें, अभी भी टाइम नहीं निकला है इसको पढ़ना स्टार्ट करें और 15 दिन में जो है आरबीएससी की आप कवर करें। ठीक है, और फिर जो आपका जो 1 मंथ रह जाएगा तो उसमें आप जो है हिंदी जो भी आपकी 2 लैंग्वेज हैं हिंदी या इंग्लिश है हिंदी या संस्कृत है उनको आप डिवाइड कर लें, 10-10 दिनों में डिवाइड करें। शिक्षण विधियां जो है वो आप 5 दिन काफी होते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजी जो है उसके लिए भी आपने पहले पढ़ी हुई है 10 दिन उसके रिवीजन के दें। तो ऐसे जो है वो आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे, लेकिन ये चीज जो है वो पहले से तैयार करके रख लें। अपना जो टाइम टेबल है शेड्यूल जो है वो आपका बनाकर रख लें कि हम एक दिन में जो है 5-7 घंटे हमको निकालने हैं पढ़ने के लिए। इसके बीच में हमें ना तो कोई काम करना है ना ही हमें कोई टीवी देखनी है मोबाइल देखना है म्यूजिक कुछ भी नहीं देखना है, केवल हमें किताब देखनी है और हमें वहां पर फोकस करना है और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। तो ये चीज जो है वो आप समझिए क्योंकि दिन जो है वो बार बार नहीं आते हैं, जो भी दिन एक एक करके जा रहे हैं वो निकलते जा रहे हैं, समय आपके लिए नहीं रुकने वाला। जो बच्चे आगे निकल जाएंगे तो वो निकल ही जाएंगे। और 90 नंबर लाने का टारगेट देखिए, अभी बहुत सारे बच्चों से मेरी जो है वो बात होती है तो वो यही कहते हैं कि 90 मार्क्स ही तो लाने हैं, ये तो आराम से आ जाएंगे। तो इस गलती में ना रहना, तैयारी जो है 100+ की करके चलना, तभी जो है 90 मार्क्स आ पाएंगे। क्योंकि अब जो एग्जाम होगा तो ऐसा मुझे भी लगता है थोड़ा सा टफ रहने वाला है। और कैसा भी क्वेश्चन पेपर आए, टफ आए चाहे इजी आए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैटर आपने पढ़ लिया है। अब तो कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए इसी तरीके से बेस्ट ऑफ लक, काम करते रहिए, लगातार जो है वो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।